हेलो दोस्तों, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रास्ते में कौन कौन से शहर पड़ते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो ऑल वेदर रोड है वो किस तरह से बनी हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, और अभी हम लोग हैं रुद्रप्रयाग के बेलनी पुल पे। इस पुल को पार करते ही हम लोग बद्रीनाथ रोड पे पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से हमारा आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग बेलनी पुल पे हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी बह रही है साइड में। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ रोड पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी चौड़ी रोडें बन चुकी हैं, और पहले काफ़ी चढ़ाई हुआ करती थी यहाँ पे, तो वो चढ़ाई भी अब ख़त्म हो चुकी है, और काफ़ी अच्छा सफ़र लग रहा है। तो काफ़ी काम है उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का, और काफ़ी आसान रास्ता बन चुका है पहले के मुकाबले। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए जहाँ पे अभी स्लाइड वगैरह हैं, बाकी जगहों पे काफ़ी अच्छा काम है ऑल वेदर रोड का। तो काफ़ी आवागमन की काफ़ी सुविधाएँ बढ़ी हैं। तो ये कुछ इस तरह का ऑल वेदर रोड का काम हुआ है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तिलनी में, और रुद्रप्रयाग के बाद जो बद्रीनाथ रोड पे जो पहला बाज़ार पड़ता है वो तिलनी है। और ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग का गुरु रामराय स्कूल भी है, और ये जगह काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग का एक बहुत फेमस होटल है मुनाल करके, काफ़ी पुराना होटल है वो, उसका गेट भी यहीं पर है, यहीं से नीचे जाते हैं। सुमेरपुर में, और ये जगह भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं, और काफ़ी बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। और रुद्रप्रयाग के बाद ये जगह काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की एक रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है, और भविष्य में यहाँ पर एक रेलवे का स्टेशन बनने वाला है जिसका काम अभी चल ही रहा है। तो भविष्य में काफ़ी और भी होटल बनने की संभावनाएं हैं, और काफ़ी चहल पहल वाला बाजार होने वाला है सुमेरपुर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रतुड़ा में, और रतुड़ा भी काफ़ी फेमस जगह है रुद्रप्रयाग के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट संस्थान है, यहाँ पे सरकारी संस्थान है। रुद्रप्रयाग का जो डाइट है जो टीचरों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है वो भी रतुड़ा में है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉलीटेक्निक कॉलेज भी है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक जो पुलिस लाइन है रुद्रप्रयाग की वो भी यहीं पर स्थित है। तो रतुड़ा भी काफ़ी फेमस जगह है रुद्रप्रयाग की। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गौचर में, और ये रुद्रप्रयाग से अगर हम चलें तो ये चमोली जनपद का पहला शहर है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी शहर है उत्तराखंड का, क्योंकि ये एकमात्र पहाड़ी शहर है जो सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, और एक रेलवे स्टेशन का कार्य भी यहाँ पर निर्माणाधीन है। तो भविष्य में ये शहर रेलवे मार्ग से भी जुड़ जाएगा। तो और ये जनपद चमोली का एक एजुकेशनल हब भी है, यहाँ पे बहुत सारे इंटर कॉलेज भी हैं, और साथ ही साथ एक पॉलीटेक्निक कॉलेज भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक।
पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, और यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक पंच प्रयागों में से एक है, और यहाँ पे अलकनंदा तथा पिंडर नदी का संगम होता है। और ये उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि ये कर्णप्रयाग गढ़वाल क्षेत्र में आता है, और यहीं से सड़क मार्ग के द्वारा हमारा जो कुमाऊं मंडल होता है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है कर्णप्रयाग, और इसे कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है कर्णप्रयाग को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है ये। तो फ्रेंड्स, ये कालेश्वर है, और ये कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे है, शायद ये कर्णप्रयाग में ही पड़ता है ये भी, और काफ़ी खूबसूरत जगह ये भी। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में, और नंदप्रयाग भी पांच प्रयागों में से एक है, और यहाँ पे अलकनंदा तथा नंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड की दृष्टि से। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं चमोली में, और चमोली से एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है और एक रास्ता गोपेश्वर के लिए कटता है, तो हम लोग गोपेश्वर वाले रास्ते भी आएंगे। और जो ये रास्ता गोपेश्वर के लिए जा रहा है, ये रास्ता केदारनाथ के लिए भी जाता है, तो चमोली से ही हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से जो गोपेश्वर की दूरी है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, तो ये रास्ता गोपेश्वर के लिए आ रहा है और जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है वो बद्रीनाथ के लिए जा रहा है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं गोपेश्वर, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी बदल चुका है। सुबह जब हमने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी उस समय काफ़ी अच्छी धूप थी, और अभी मौसम पूरा पैक हो चुका है और शायद अभी इसके बाद बारिश आने के चांसेस लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर तक का सफ़र। आपको ये सफ़र कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।